तो दोस्तों हीरो सुपर ठीक है ना। देखिए रात भी हो गया, कहीं हम लोग को टाइम लग गया, इधर अच्छा से वॉश किए ठीक है ना। चक्का ग्रीसिंग हो गया, एयर फिल्टर लग गया और देखिए वायरिंग हम लोग काट किए हैं इसे ठीक है ना। पहले एक बार मेरा आदमी, हम गए थे किशनगंज कोई पार्ट्स लाने के लिए, तो मेरा आदमी पूरा वायरिंग खुला था ठीक है ना इसमें, और पहले से भी ख़राब था तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला तो टेप मार दिया, फिर हम दोबारा यहीं से काटे ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, न्यूट्रल लाइट का स्विच तो खराब है, ये हम कोशिश करते खराब इसका वायर है या नहीं, हम नया लगाने का कोशिश करेंगे। मेरा पास है अभी फिलहाल, वो सेटिंग करेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर देंगे वो बाद में। तो करीब दोस्तों हम लोग कितना टाइम लगा, करीब डेढ़ घंटा के आसपास मेहनत किया, वो लोग दो आदमी था ठीक है ना, हम गए थे किशनगंज, नहीं हुआ तो गाड़ी वाला को बोले तो गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। हम लोग का पास हीरो एक्सट्रीम सर्विस में था ठीक है ना, चेन स्पोगेट और बहुत सारा पार्ट्स लगाए थे, तो ये सब हर एक चीज़ हम चेक किए, CDI ठीक है ना। तो बाद में पता चला दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या, ये चाबी स्विच में ठीक है ना, अब नया लगा दिया हम लोग, बिल्कुल क्लच चापो सेल्फ मारते। तो देखो दोस्तों सेल्फ मारे स्टार्ट हो गया, बंद ऑन हो गया, देखें स्टार्ट हो गया ठीक है ना। देखिए चलो भाई स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो गया, बंद हो जा, वन हॉर्न मारते, चलो अभी इसको खुलो। तो दोस्तों ये हो गया पुराना वाला ठीक है ना। देखिए तो टेक्निकल काम है दोस्तों, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है, मारो कॉप करो, रुको चलो, देखो मेरे हॉर्न नहीं बज रहा है, देखो चलो चलो मारो, देखो हॉर्न नहीं बज रहा है ठीक है ना। तो दोस्तों नहीं हो रहा है, तो चाबी स्विच में प्रॉब्लम है, चलो इसमें लगाओ, ये वाला लगाओ, नया वाला हम लोग फिट कर दे, हीरो कंपनी का जेन्युइन है। अब मारते देखिए, चाबी स्विच देखो, टैंक लॉक भी देखो उधर। हाँ तो दोस्तों हम लोग जेन्युइन पार्ट्स लगा दे, टैंक लॉक भी चेंज हो गया, टैंक उधर है ठीक है ना। देखिए लॉक किट में प्रॉब्लम था, जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम या करंट का प्रॉब्लम था, स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत जार्किंग आता था, गाड़ी बंद करंट छोड़ दिया था, मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम था। तो दोस्तों अक्सर जो है ना हैंडल का साइड से इधर से वायर काटता है चाबी स्विच का, इग्निशन का ठीक है ना, सुपर ग्लैमर में इधर से ज़्यादा होता है, बाइक में अक्सर 80% ज़्यादातर वायरिंग जो काट होता है साइड से, हैंडल का साइड से ही काट होता है। तो हम लोग यहाँ से काटे नहीं मिला, तो दोस्तों हर एक चीज़ चेक किया हम लोग, CDI भी चेक किए ठीक है ना, इधर भी सही है, तो हम तो नहीं था, मेरा आदमी ई भी खुला था, रेगुलेटर भी चेक किया, रेगुलेटर से कोई फंक्शन है नहीं इसका। तो दोस्तों हर एक चीज़ हम चेक किए यहाँ से, मगर नहीं हुआ। हम भी करीब 40 मिनट के आसपास मेहनत किए इसमें, 40 मिनट मेरा, हम लोग का जो दो आदमी है दो करीब डेढ़ घंटा, उन लोग बोला पूर्ण आधे घंटे के आसपास, मतलब डेढ़ घंटा वो लोग मेहनत किया, हम भी करीब एक घंटे के आसपास मेहनत किए ठीक है ना। तब जाके प्रॉब्लम नज़दीक आ गया यहाँ चाबी स्विच में। तो दोस्तों इसमें था प्रॉब्लम, हम लोग नया लगा दिया, पूरा किट जमीन डाल दे ठीक है ना, ये हो गया। तो दोस्तों बहुत आदमी बोलेगा इसका दाम कितना, तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पे 1000 रुपया लिख दे ठीक है ना, 840 रुपया, वो बोला लाओ तो लाओ, तो हम देखा थे मेरा पास एक दो पीस करके रखते हो दोस्तों, देखो इधर देखो इसको काटने के दोस्तों सही से देखे कितना है दोस्तों, 840 रुपये हम लोग को खरीदे ठीक है ना। इसमें दोस्तों इन्वेस्ट करना पड़ता है 850 रुपया, इन्वेस्ट करने के बाद 50 रुपया ज़्यादा है तो 100 रुपया फ्रीज, 1000 रुपया में पूरा किट। तो दोस्तों यही हो गया पूरा किट हीरो कंपनी का, 1000 रुपया लेंगे तो दोस्तों 100 रुपया ज़्यादा लेते हम लोग फिटिंग चार्ज। देखिए ये नया लग गया, इन्हें लगा दिया ठीक है ना, और एक हो गया इधर का साइड कवर, किधर है ये लॉक लग गया टूल बॉक्स का ठीक है ना, ये लॉक इटो लग गया, टैंक का लग गया दो, टैंक का एक दो तीन, तीन लॉक हो गया ठीक है ना। अब इसमें हैंडल लॉक भी हो जाएगा दोस्त, देखिए हैंडल लॉक हो गया, नहीं कटेगा, हैंडल लॉक हो गया ठीक, ये हो गया जेन्युइन हीरो कंपनी का। तो दोस्तों इसी में प्रॉब्लम था, तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों ये टेक्निकल काम है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा आदमी डेढ़ घंटा मेहनत किया, हम भी करीब 40-45 मिनट एक घंटे के आसपास हर एक चीज़ चेक किए, कई दोस्तों जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे हाथ लगाना चाहिए ठीक है ना। तो जिनका गाड़ी उनको बोले जहाँ पे प्रॉब्लम है वही चीज़ हम बता लेंगे, दूसरा चीज़ नहीं चेंज होगा। तो बिल्कुल सही हो गया, और उन्होंने बोला सर्विस भी कर देना, ठीक है गाड़ी जब खुले सर्विस भी कर देंगे। चाका ग्रीस हो गया, एयर फिल्टर नया लग गया, एयर फिल्टर खराब था,
और ये लॉक किट भी लग गया, ठीक है ना, और गाड़ी सही हो गया। तो ये सब हम अच्छा से टेप मार देते, फिर न्यूट्रल स्विच तो हम लोग लगाए थे, ये न्यूट्रल स्विच नया वाला ये हम फिट करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, का इस चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा वायरिंग का बारे में, इंजन का बारे में, पिकअप प्रॉब्लम या वॉशिंग पंचर हर एक वीडियो मिल जाएगा बाइक के रिलेटिव। जैसा प्रॉब्लम होता है हम लोग का पास टाइम होने से हम लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी वाला अरे आया करीब कई बजे आया था ये गाड़ी, करीब 12 बजे के आसपास आ गया। देखिए तो ये गाड़ी छोड़ देते 2 घंटा ले, करीब टोटल में इसमें मेहनत लग गया ये 2.5 घंटा उधर, 50 मिनट 1 घंटा आ रहा है, करीब 4 घंटा के आसपास टाइम लग गया ये गाड़ी, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम था बिल्कुल सॉल्व हो गया 100 में से 100%, तो हम 90% बोलते हैं सर दोस्तों। तो दोस्तों हम फटाफट से अभी फिट करते हैं, आगे वाला चक्का ग्रीस कर लेते हैं, हर एक चीज़ पासिंग लाइट में प्रॉब्लम था ये भी सही हो गया, देखिए पासिंग लाइट का हर एक चीज़ सही कर दिए, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हम टाइटल देंगे हीरो सुपर स्प्लेंडर स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम दोस्तों CDI से होता है, पिकअप कॉइल से होता है, तो यहाँ से वायर काटने से होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम, चाबी स्विच से हो गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल काम है ना दोस्तों। तो इसमें हम टाइटल देंगे हीरो सुपर स्टार्टिंग प्रॉब्लम एंड लॉक किट प्रॉब्लम, ऐसे हम टाइटल देंगे। चलो ग्रीस करो, अच्छा से ग्रीस कर दो, गिनना नहीं चाहिए गाड़ी। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, तो हम लोग फटाफट से फिट कर लेते इसको, ठीक है ना।